बायपोल तो हो गया। सब तो पहला मैं जलंधर के सारे वासियों का हाथ जोड़ के असीं सारे मिनिस्टर साहबान बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहते हैं। मेरे नाल ने मेरा छोटा भरा हरजोत बैंस जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके दे नाल कंपेन की, और उस तो बाद कुलदीप धालीवाल जी, जिम्पा साहब, ब्रह्मशंकर जिम्पा जी, हरभजन सिंह ईटीओ साहबान, और मेरा सब तो छोटा भरा शशि रिंकू जी जिन्होंने बड़ी जानदार बड़े जोर ला के जबरदस्त तरीके ने मेहनत की पार्टी की जित जी पार्टी की झोली च पाई आ। आम आदमी पार्टी ने जो शशि रिंकू जी ने चोण मैदान च उतारिया तो बख बख पार्टिया ने अपने लैवल के उत्ते बड़े दोष भी लाए, घटिया राजनीतिकरण की कोशिश भी की, पर लेकिन जलंधर वासियों ने प्यार सत्कार का सबूत दिता। जो गरंटियां आम आदमी पार्टी ने 2022 की इलेक्शन साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने दित्तियां सी, उह सारियां गरंटियां की करके जिहड़ियां असीं पूरियां कर रहे हां उन्हां सारियां गरंटियां दे उत्ते पंजाब दे लोकां ने खास करके जलंधर दे लोकां ने अल्लाह क्लिनिक पंजाब दे अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार खोल रही है, लगातार महला क्लिनिक पंजाब दे अंदर खुले और लगभग 600 के करीब खुल चुके ने, उन्होंने सारे ते मोहर जलंधर वासियों ने लाई आ। स्कूल ऑफ एवेनेस आपरा बैठा गया हरजोत, इन्हों की सख्त मेहनत आ गई, लगातार हरभजन सिंह जी ईटीओ बैठे ने लगातार पंजाब दे मान कि आम आदमी पार्टी ने जलंधर की बाय इलेक्शन जी बड़े मार्जन के नाल जित प्राप्त की। सो मैं सारे का साढ़े एक वलंटियर तो सारे साथियों का जिन्होंने सिलेक्शन के अंदर अपना पूरा जोर लाया, पूरा तन मन धन लाया, लगातार 24 सो अज इस जित दे लई कला कला जिहड़ा जलंधर वासी आ वो तह दिलों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पिछले 5 साल पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज रहा, कांग्रेस पार्टी ने एक भी वादा पंजाब के अंदर पूरा नहीं किया, बल्कि पंजाब के अंदर करप्शन का भ्रिष्टाचार का बोलबाला सीगा। सरदार भगवंत सिंह मान जी लगातार उस भ्रिष्टाचार को खत्म करने लिए, लगातार उस करप्शन को खत्म करने लिए आ साडे सारे साथियों को लैके जोरदार यत्न कर रहे हैं। भरा मेरे बैठे ने गे धालीवाल साहब जिन्हां लोगों ने पंजाब की हजारा एकड़ जमीन दबी सी, ये कांग्रेसी भी छड़ा सकते सी, अकाली दल वाले भी छड़ा सकते सी, उन्होंने सरकार रही आ, ये साडे भरा ने छड़ाई आ, पूरी मेहनत दे नाल छड़ाई आ, हजारा एकड़ जिहड़ी जमीन आ पंजाब चों छड़ी गई छड़ाई गई, इहदा मतलब की आ कि वह पैसा सारा पंजाब के खजाने च आऊगा। देखो टर्निंग पॉइंट यह आ कि इतिहास के अंदर पहली सरकार आ जिन्हें काम करने शुरू किए ने, इतिहासक तौर पर सरकार आदि रही है, जिन्हिया समस्यावां ने सारियां हल करनगे। साडा छोटा भरा बड़ा ताकतवर आ, बड़ा इंटेलीजेंट आ, बड़ा अगां वधू आ, सारे मसले दा हल करूगा। देखो जिहड़े बंदे कोई जेलां चो जेल कट के आया, कोई भ्रिष्टाचार दे अंदर कट के आया, कोई लोगों नूं जेल चो कुट्टण दे अंदर कट के आया, वह लोगों नूं शोभा नहीं दित्ता कि कंपेन कर, उन्हां दा अपने किरदार की ने तुहाडे सामने हैगा। मेरा एक मिनट मेरे छोटे भरा शशि रिंकू जी थोड़ा जा प्लीज। सब तो पहला मैं
जलंधर के सारे ही वोटर साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराइया तो धन्यवाद करना चाहना कि जिन्होंने एडा वड्डा फतवा जिहड़ा अज आम आदमी पार्टी के हक के विच दिता और खास करके उन्हें अपने वलंटियर साथियों का उन्हें लीडर साहबाना का जिन्होंने दिन रात एक करके पार्टी के लिए कैंपेन की और पार्टी एक वड्डी जित दवाई उन्हें सारे भरावां का सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। देखो असीं 11 महीने का नहीं, असीं तां अगले 5 साल का भी विजन नाल लैके चलांगे क्योंकि 11 महीनों के जिहड़ी आ चीज़ां रुकियां जलंधर दे विच, जलंधर दे विच एयरपोर्ट बंद पिया, जलंधर दे विच जलंधर दे विच सड़कां बंद पईआं, जलंधर दे विच सेंटर गवर्नमेंट दे जिहड़े प्रोजेक्ट आ उह बंद पए आ, स्मार्ट सिटी दे प्रोजेक्ट बंद पए आ, आदमपुर दा फ्लाईओवर बंद पिया। सो मेरी प्रायोरिटी होएगी कि असीं इन्हां कम्मां नूं जिहड़े बंद पए आ इन्हां नूं जल्दी शुरू करवा के लोगों नूं राहत दे सकीए। अच्छा, विधानसभा च तुहानूं घर बोलदिआं देखिआ, जिवें हरपाल जी कहिंदे ने कि तुसीं पार्लीमेंट जाओगे ते तुसीं बोलोगे ते माण होगा, की तुसीं खास तैयारी करोगे क्योंकि पिछले जदों तुसीं विधानसभा च हुंदे आ असीं तुहानूं बहुत घट सुणदे रहे हां। देखो गल है कि अज समस्यावां बहुत है जलंधर शहर नूं लै के और पंजाब नूं लै के। सो मेरी कोशिश होएगी कि केंद्र दे सरकार दे विच अपने शहर दे और पंजाब दे मुद्दे लै के जावां तां कि उन्हां दा जिहड़ा कोई वाजब हल है जिहड़ा असीं करवा सकदे। हांजी, देखो कोआर्डीनेट है जिहड़ा उह तां जदों असीं जावांगे गल करांगे, कोआर्डीनेशन भी होएगी वख-वख डिपार्टमेंटां दे जिहड़े महकमे उन्हां नाल गल भी करांगे और जिहड़ी आवाज़ है लोक सभा दे विच उह अपने जलंधर दी जरूर उठावांगे। देखो राहत नहीं, मैं समझदा जिम्मेवारी जिहड़ी आ उह होर वधिया, साडा भरा गया गा, असीं सारे एकजुट होके इकट्ठे होके काम करांगे। सेंटर दे अंदर शशीर रिंकू जी काम करनगे, देश दी पार्लीमेंट दे अंदर ये मुद्दे करनगे और जिहड़े स्टेट दे होणगे उह साडी सारी टीम बैठी आ, सरदार भगवंत सिंह जी बैठे ने, मान साहब बैठे ने, समुची साडी पार्टी दे उहदार साहब बैठे ने, ये सारे असीं मिल के काम करांगे। मैं समझदा जिम्मेवारी हमेशा लगातार वधदी आ। देखो सारा कुछ नकारता, उन्हां नूं हुण लोकां तों माफ़ी मंगनी चाहीदी आ, जिहड़ा झूठ बोलदे सी झूठ जिहड़ा हैगा ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।